हेलो वीवर्स, मैं हूं फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर। आज की हमारी रेसिपी है मूंगलेट। ये दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि ये तेल या घी में नहीं बनता है बल्कि ये बनता है बटर में। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप जितनी भिगोई हुई पीली मूंग 4 घंटों के लिए, 1 इंच जितना जिंजर का पीस, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा प्याज, 1 छोटी शिमला मिर्च, थोड़ी धनिया, 1/2 चम्मच जितना बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच जितना नींबू का रस। सबसे पहले एक मिक्सिंग जार में हम दाल जो सोख की थी उसे ड्रेन कर लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अदरक के पीसेस और हरी मिर्चें। थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है और फिर इसमें दोबारा से थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर देंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से फेंटना है जब तक ये थोड़ी फ्लफी हो जाए, इसमें थोड़ी एयर आ जाए। फेंटने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला। नमक हमने इसमें पीसने के समय ही डाल दिया था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से इसमें कंबाइन हो जाए। फिर इसमें वेजीज डाल सकते हैं आप अपने चॉइस की। मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं शिमला मिर्च, प्याज, गोभी और कुछ धनिया की पत्तियाँ। दोबारा से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें बनने के समय थोड़ा एरी बनाना है, यानी कि इसे हमें केक की तरह थोड़ा सा फुलाना है, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है बेकिंग सोडा। 1/2 चम्मच जितना बेकिंग सोडा यूज करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा 1/2 चम्मच जितना ही लेमन स्क्वीज कर देंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप 1/2 चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। ये चीजें डालने के बाद में बिल्कुल स्मूथली इसे मिक्स करना है। अब चलते हैं इसके फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। जैसे कि मैंने बताया ये बटर में फ्राई होता है, तो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून बटर और फिर अपना बैटर इसके ऊपर पोर कर देंगे और अच्छे से फैला देंगे। गार्निशिंग के लिए ऊपर से आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोथमीर, थोड़ी सी कैबेज और शलजम का इस्तेमाल किया है। ये वेजिटेबल ऑमलेट बहुत ही अच्छा लगता है और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन वाली दाल है, वेजिटेबल्स हैं। तो अंडे वाले ऑमलेट का ये बहुत ही ज़्यादा अल्टरनेटिव है वेजिटेरियंस के लिए। अब इसमें हम थोड़ा पार्टीशन लगा देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए जब हम इसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने से पहले इसमें थोड़ा सा बटर लगा देंगे, बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए तब इसे फ्लिप कर देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। ये मूंगलेट में बहुत ही ज़्यादा बटर यूज होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैंने अब पीछे भी इसमें बटर अप्लाई कर दिया है। हमारा मूंगलेट जो है नीचे से भी पक चुका है और ये बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट्स में भी बताएं। ऐसे ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।